अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल कर्म से बखैर वाफियत होंगे। आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। आज मैं एक्सरसाइज 9.2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने कल आपको होमवर्क दी थी क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड वो आपने की होगी। तो जल्द ही आपकी एक जूम क्लास मुनक्कद होगी जिसमें आपकी होमवर्क हम चेक करेंगे इंशाल्लाह, और दैट विल कैरी डेफिनेटली अ फ्यू मार्क्स। सो क्वेश्चन 4 इज ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। देखिए भाई, हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, इन अदर वर्ड जिनको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स ए क्यूबॉइड। तो कुछ क्यूबॉइड्स हमारे पास है, उनके डायमेंशन हमें दिए हुए है। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम्स ऑफ दीज रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, तो हम इनका वॉल्यूम निकालना है। पहला पार्ट जो है इसमें वी हैव गिवन लेंथ, हियर एल, एल मीन्स लेंथ ऑफ द बॉक्स, इट इज गिवन टू बी 5a। देन वी हैव गिवन ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 3a स्क्वायर। देन वी हैव गिवन हाइट, एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7a रेज पावर 4। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, so therefore we will stand for volume। अंदर से आप rectangular box बनाएंगे, so volume of the rectangular box ये हो गया volume of rectangular box। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, it is equal to length into breadth into height। अब बेटा यहां length हमारे पास है 5a, breadth is given to be 3a square, एंड हाइट इज 7a रेज पावर 4। तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट से 5, 3 और 7 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एज है a, a स्क्वायर एंड a 4, a पावर 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 5 इंटू 3 इज 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 इज 35, कैरी आ गए 1, 7 7 5 आर 35, कैरी आ गई 3, सॉरी कैरी आ गई 3, 7 आर 7 और 3 हो गए 10, तो ये बनेगा 105। और अब आपको पता है जब बेसिस सेम होती है, मल्टीप्लीकेशन में जब बेसिस सेम होती है पावर्स का ऐड होता है। इस a पर पावर 1 है, इस a पर पावर 2 है, इस a पर पावर 4 है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, लिहाजा पावर्स का एड होगा। तो ये बनेगा a रेज पावर 1, 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 प्लस 4 इज 7, सो इट इज 105 a रेज पावर 7 इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलो फिर इसी तरह दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में लेंथ है 2p, जो पार्ट नंबर सेकंड है उसमें लेंथ इज 2p, ब्रेथ इज 4q एंड हाइट इज 8r। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला सेम रहेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू वैल्यू देंगे, दैट इज 2p इंटू 4q इंटू 8r। तो फिर से हम कॉन्स्टेंट्स को प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 8 इनको प्रोडक्ट करेंगे, और अंदर जो बाकी टर्म्स रहेंगे दी अनलाइक टर्म्स है, पी इंटू क्यू इंटू आर, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, ऐसे रहेंगे। 2 4 जार हो गए 8, 8 इंटू 8 इज 64, इनका ऐसे ही प्रोडक्ट रहेगा, ये बनेगा 64 पी क्यू आर। देखिए यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि पावर्स को एड कर देंगे, यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिस है बेसिस यहां पर सेम नहीं है। इससे वाले, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पावर्स में ऐड कर दिया, क्योंकि वहां बेसिस ए थी, वहां तीनों जगहों पर बेस क्या थी, ए, यहां पर बेस डिफरेंट है, लिहाजा पावर्स का ऐड नहीं होगा। सो वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी 64 पी क्यू आर। शाबाश। फिर इसी तरह तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में जो लेंथ है दैट इज गिवन टू बी एक्स वाई, then we have given breadth is 2x square y, 2x square y is breadth, and height is
2xy2। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अब आप इस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का वैल्यू देंगे। लेंथ कितनी है, लेंथ इज एक्स इंटू वाई, ब्रेड्थ इज टू एक्स स्क्वायर वाई एंड हाइट इज टू एक्स वाई स्क्वायर। बेटा देखिए क्या करेंगे, यहां पर जो एक्स वाई है, इस एक्स वाई का कोफिशियंट है वन, एक्स वाई इसका कोफिशियंट है वन, एक्स स्क्वायर वाई जो है इसका कोफिशियंट है टू और एक्स वाई स्क्वायर इसका कोफिशियंट भी है टू। सो हम प्रोडक्ट करेंगे वन इंटू टू इंटू टू, देन फिर यहां पर हमारे पास एक्स है, इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, सो इट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और फिर यहां पर भी इस टर्म में भी हमारे पास एक्स, सो इट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और फिर देखिए यहां पर वाई है, इस y का प्रोडक्ट करेंगे इस y के साथ y इंटू वाई और फिर इस y स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे y स्क्वायर। सो इट विल बी 1 इंटू टू इज टू, टू टू आर फोर। अब यहां बेसिस सेम है तो पावर्स का क्या होगा, पावर्स का एड होगा, इस x पर पावर 1 है, इस x पर भी पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर्स का एड कर देंगे, 1 प्लस टू इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो ये बनेगा 4 x पावर 4 y रेज पावर, यहां पर भी इस y पर पावर 1 है, इस y पर भी पावर 1 है, तो बेसिस सेम है और बीच में जो ऑपरेशन वो मल्टीप्लीकेशन है, लिहाजा पावर्स का एड होगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, हेंस द वॉल्यूम इज 4 x रेज पावर 4 y रेज पावर 4। फिर इसमें लास्ट पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, उसमें जो डायमेंशन है द डायमेंशन इस फोर्थ पार्ट में a, फिर 2b एंड 3c, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये वॉल्यूम आप खुद बनाओ। ठीक है, श्योर। देन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट इज वी हैव फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कामा वाई जेड कामा जेड एक्स। देखिए इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो हम यहां इस एक्स को इस एक्स के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ये बनेगा एक्स इंटू एक्स, फिर वाई और y का प्रोडक्ट कर देंगे, ये बनेगा y इंटू वाई और फाइनली z और z का प्रोडक्ट कर देंगे, ये बनेगा z इंटू z। तो बेटा x इंटू x हो गए x स्क्वायर, y इंटू y हो गए y स्क्वायर और z इंटू z हो गए z स्क्वायर, हेंस द प्रोडक्ट इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है, we have to find product of 2 comma 4y comma 8y square and 16y cube. तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनका प्रोडक्ट बनेगा 2 into 4y into 8y square into 16y cube which is equal to, इस 2 को 4 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, फिर 8 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे और फिर 16 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे और फिर क्या लिखेंगे, फिर y y स्क्वायर और y क्यूब प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कर देंगे, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब विच इज इक्वल, देखिए 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 8 इज 64, क्या बनेगा 64 और 64 को 16 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 16 4 जार 64 कैरी आ गई 6, 16 6 जार 96, 96 और 6 कितने हो गए, 96 और 6 हो गए 104, सो ये बनेगा 1044, 1044 और यहां पर बेसिस सेम है,
पावर्स का एड होगा, ये बनेगा वाई रेस पावर 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 6, सो इट इज 1044 इंटू वाई रेस पावर 6 इसका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, सॉरी इट इज 1024, फिर भी आप ये खुद कैलकुलेट कर देंगे 1024 इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह इसमें पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर फोर है, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये आप खुद करेंगे, और अगर आपको ना आए तो मुझे आप कॉल करें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर कल के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, अल्लाह हाफिज़।